नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पी एफ मार्शल स्ट्रीट फाइट पे। मेरा नाम है शिफु हिरन नाग। आज हम बात करेंगे कि आप गन का लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हर किसी का सपना रहता है या शौक रहता है खुद का एक हथियार हो, तो हथियार रखने के लिए आपको एक गन लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा कि आप गन लाइसेंस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गन लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। आपको गन लाइसेंस चाहिए क्यों, उसके वो आप जब आवेदन करेंगे गन लाइसेंस के लिए तो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आपको गन लाइसेंस क्यों चाहिए। जैसे कि आपके ऊपर कोई थ्रेट दिया है कि आपके जान के जान को खतरा है, ऐसी अगर बात है तो आपको गन लाइसेंस मिल सकते हैं। या आपका प्रॉपर्टी बहुत है उसका सेफ्टी के लिए आप गन लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। या क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, जैसे आपका खेती बाड़ी है जिसमें जंगली जानवर आके आपका खेत को बर्बाद करते हैं, उसी माध्यम से भी आपको गन का लाइसेंस मिल सकते हैं। और स्पोर्ट्स, अगर कोई शूटिंग का स्पोर्ट्स करते हैं तो उनको भी गन लाइसेंस मिल सकती है। गन लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो डीएम ऑफिस है, तो डीएम ऑफिस के आपको फॉर्म ए सबमिट करना पड़ेगा जिसमें आपको बेसिक जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे कि आपका आईडी प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट, आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपका चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब देना पड़ेगा। और सार कॉपी व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो, वो भी लेटेस्ट। जब आप गन लाइसेंस अप्लाई करेंगे तब वहाँ पे आपका कैटेगरी होगा कि आप कौन सा गन लेना चाहते हैं। जैसे इंडिया में तीन प्रकार के गन सिविलियन को अलाउ होता है। जैसे हैंड गन हो गया जिसमें पिस्टल रिवॉल्वर पड़ते हैं, दूसरा हो गया शॉर्ट गन जिसमें डबल बैरल, सिंगल बैरल या पम एक्शन गन होता है, और तीसरा है राइफल। ये तीन ही गन पब्लिक को इशू करता है जो गवर्नमेंट है। यही तीन कैटेगरी का गन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कौन सा गन चाहिए और उस गन के हिसाब से आपको फीस जमा करना पड़ेगा। और एक बात आपको मैं बता दूं, जब आप गन लाइसेंस अप्लाई करें आप उसमें आपका जो रियल डॉक्यूमेंट्स है वही सबमिट करें। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट मत करें, क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब अगर उसमें कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से आप सब रियल डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करें। और एक बात दोस्तों, हर कोई शौक की वजह से हो या ज़रूरत की वजह से हो कोई इलीगल वेपन्स रखता है पास, वो कभी भी रखना नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई इलीगल वेपन्स है तो आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है इंडियन कोर्ट के द्वारा। तो आप लोग को कोई भी इलीगल वेपन्स या ऐसा रखना नहीं है, लीगल तरीका से ही आप लाइसेंस अप्लाई करें और लाइसेंस प्राप्त करें। बाकी जो कैटेगरी है गन का, उसके ऊपर हम लोग एक दूसरा वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सा गन आप ले सकते हैं और कौन कौन सा बोर का गन सिविलियन को इशू होता है, उसके ऊपर हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं इसी चैनल पे गन से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, मार्शल आर्ट से रिलेटेड और सेल्फ डिफेंस के रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद।